नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। स्वर्गीय सुषमा स्वराज द्वारा सृजित कराई सड़क के उड़े पर कच्चे, प्रशासन ने ठेकेदार पर नहीं की कोई कार्रवाई। अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रहे हैं घटिया निर्माण। जी हां, यह खबर गंज बसोदा से हमारे पास आ रही है, जहां आदर्श ग्राम रजोदा के लिए तात्कालिक सांसद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क के लिए लगभग 1,15,00,000 रुपए स्वीकृत कराए गए थे। रोड का निर्माण भी हुआ। निर्माण के समय ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायतें भी की थी, लेकिन अधिकारियों ने जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वर्ष 2018 में निर्माण पूर्ण होते ही जैसे ही यह मार्ग जनता के लिए खोला गया, जगह जगह से इस मार्ग पर 4-4 इंच की दरारें हो गई थीं। लेकिन इस घटिया निर्माण के लिए संबंधित विभाग ने ठेकेदार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि ठेकेदार का संपूर्ण भुगतान करके पारितोषिक के रूप में विभाग द्वारा अन्य ठेके भी इस ठेकेदार को दे दिए गए, जिससे कि अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देश की बड़ी नेता रही सुषमा स्वराज की निधि पर आज प्रशासन और पार्टी मौन क्यों है? यह मामला मीडिया में जब उठाया गया, तब विधायक लीना जैन ने संबंधित विभाग को जांच के लिए पत्र लिखने की बात कही है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी प्रकाश नायक ने एक टीम बनाकर सड़क के निर्माण एवं भुगतान की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्षेत्र प्रभारी श्रीमान खान का कहना है कि यह रोड अभी मेंटेनेंस पीरियड में है, समय समय पर इसका रख रखाव कराया जाता है। और ठेकेदार पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई हुई? ठेकेदार अब भी विभाग में कई जगह कार्यरत है। इस विषय पर श्रीमान खान मौन हो गए, जिससे कि ठेकेदार और अधिकारियों के बीच के तालमेल को बखूबी समझा जा सकता है। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। एक टीम बनाकर जांच करवाएंगे, और अगर वो रोड ख़राब हुई है, गुणवत्तापूर्ण रोड नहीं बनी है, तो उसमें जांच की जाकर जो भी ठेकेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मेरी जानकारी में आप लोग लेके आए हैं, मैं निश्चित ही इस बात के लिए ऊपर शासन में पत्र लिखवाती हूँ